السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله تراويح المتعلق تراويح المسائل المتعلق اجي هي ہماری تیسری गुजत कल और उससे पहले दो तरावी की नश्तें हो चुकी हैं वैसे मैंने कोशिश तो ये की थी कि एक ही नशिस्त में सारे मसाइल बयान कर दिए जाएं। लेकिन माशाल्लाह आप लोगों की जानिब से ये शौक़ और ये जज्बा देखकर मुझे बड़ी ख़ुशी होती है कि जब मैंने तरावी के मसाइल शुरू किए तो फिर अलमीज़ान के अंदर रमज़ान कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स की जानिब से तलबा की जानिब से अहबाप की जानिब से पड़ तरावी के मतलब सवाल आने शुरू हो गए और साथ में ये गुजारिशा भी कि हमारे सवाल को नशस्त के अंदर जवाब के साथ जवाब जवाब के साथ नकल कर दिया जाए ताकि इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा जादस लोगों को फ़ायदा हो इस वजह से हमारी जो नश्त है माशा फिर दूसरी से भी तीसरी हो गई अल्लाह कबूल करें अल्लाह आसान करें आप सब जानते ही हैं कि सारे मसाइल तो बयान करना नामुमकिन है कि तरावी के, के मुतालिक जितने मसाइल हैं चाहे वो सैकड़ों या हज़ारों सबको ही बयान कर दिया जाए तो पॉसिबल नहीं है आप गुज्त दोनों नशितें उठाकर देखें मेरे ख्याल से बीस सवाल भी नहीं है बीस दो नशितों के अंदर और आज भी अगर कुछ मुश्किल से पंद्रह बीस सवाल भी अगर मैं ले लूँ तो पचास सवाल भी नहीं बनते हालांकि सवाल बहुत ज़्यादा हैं मसाइल बहुत ज़्यादा हैं बस उनको लेने की कोशिश करता हूँ जो आम तौर से लोगों को पेश आते हैं या जिससे लोगों को मालूम नहीं होती है और उनकी ज़रूरत होती है लिहाजा मैं ऐसे ही सवाल उनके जवाब लेने की कोशिश करता हूँ वरना अगर सबको ले लिया जाए तो मेरे ख़्याल से ज़रूरत भी नहीं है और बात भी फिर बहुत लंबी हो जाएगी चलिए आज बाकायदा तरावी के मतलब सवाल का आगाज़ करते हैं और उसके बाद इसको नशे को मुकम्मल कर लेंगे इनशा एक साथ ही सवाल करते हैं कि हमारे यहाँ तरावी के अंदर मजमा ज़्यादा होता है तो क्या आयत सजदा आने से पहले यह ऐलान करना कि दूसरी रकात में सजदा है या पहली रकात में सजदा है यह ऐलान करना जाहिज़ है ये जो ऐलान किया जाता है सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि जहां पर छोटा लोग है लोग ज़्यादा नहीं हैं और पीछे वालों को अपना आगे खड़ा हुआ इमाम आसानी से दिख रहा है नज़र आ रहा है इस सूरत के अंदर ये ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है जब इमाम साहब ज़रा सजदे में जाए तो आवाज़ को लंबा कर दें अल्ला अकबर कहने के बजाय थोड़ा अकबर थोड़ा लंबा कर दें इससे मख्तियों को ख़ुद ब खुद अंदाज़ा हो जाता है कि आवाज़ लंबी हुई है तो इसका मतलब ये रुकू के बजाय सजदे में गए हैं और आपने नमाज पढ़ते हुए महसूस किया होगा कि जब डायरेक्ट सजदे में जाते हैं या सजदे से डायरेक्ट सीधा उठते हैं तब इमाम जो है वो आवाज़ को थोड़ा लंबा कर देते हैं ताकि मखतदियों को कन्फ्यूजन ना हो और जब सीधा सजी जैसे वाहत में बैठते हैं तो तकबीर जो वाह अकबर नॉर्मल छोटी सी तकबीर कहते हैं इसकी मकतियों को आदत है इस आदत का फ़ायदा उठाएँ बग़ैर ऐलान किए इस तरीके से वो कर दे तकबीर को लंबा या छोटा कर दे दूसरी चीज़ अगर मजमा ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है बाज़ मरतबा सड़कों पर भी आ जाती है पब्लिक और अलहमद इसका एक्सपीरियंस मैंने भी किया है जैसे कि मैंने बताया कि छोटी उम्र में ही करने की वजह से शहरत हो गई थी और मजमा बहुत था तनावी के अंदर तो इतना मजमा था कि मस्जिद में और बाहर सड़क पर लोगों को जगह ना मिलने की वजह से लोग वापस गए थे तो बचपन के अंदर मैंने ये देखा था कि मेरे वहाँ पर उस मौके पर इतना मजमा होने की वजह से फिर ऐलान करना पड़ता था वरना ऐलान ना करने का डिसएडवांटेज ये होता था कि जब हमने ऐलान तो किया नहीं कि कौन सी रकात में सजदा है लिहाजा लंबी तकबीर कहने के बाद भी इस बात के इम्कान थे कि जब हम तकबीर कह के सजदे में जाएं तो बहुत से लोग तो सजदे में चले जाएँ लेकिन बहुत से लोग रुकों में चले जाएँ नतीजा ये निकलेगा कि कुछ सजदे में होंगे और कुछ रुकू में होंगे और नमाज के ख़राब होने का अंदेशा इस सूरत के अंदर अगर ऐलान करने की ज़रूरत हो तो कर सकते हैं गुंजाइश मौजूद है अलबत्त इसके अंदर एक बात ये याद रखें कि अगर कहीं किसी जगह पर ये ऐलाना करते 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 इनको ज़रूरी समझा जाने लगे तरावी का हिस्सा समझा जाने लगे फिर इस सूरत के अंदर ये ऐलाना ना किए जाए ताकि लोग जो हैं वो इस किस्म की चीज़ों से और इस किस्म की जहनीत से बच सकें अच्छा एक बात यहाँ मुझे एक लतीफ़ा याद आया और लतीफा भी बड़ा शानदार है मेरे ही तरावी का है शायद मैंने पिछले रमज़ान कोर्स में भी ये लतीफ़ा सुनाया था उसको नकल कर दूँ मसला क्या था कि मैं जब तरावी पढ़ाता था ना जैसे कि मैंने बताया मजमा ज़्यादा था कम उेश हज़ार आठ सौ के करीब लोग होते थे और जिस तरीके से ये कॉलर माइक लगा हुआ है इसी तरीके से कॉलर माइक यहाँ लगा हुआ होता था और मैं उसमें ऐलान करता था पहली रगात में सजदा है, दूसरी रगात में सजदा है, ठीक है ये मैं ऐलान करता था और मेरे पीछे पहली सफ में सामे के बराबर में मेरे एक चचा थे जिनको वो ऐलान दोहराने का एक शौक़ था या ज़रूरत थी बहरहाल मैं कहता था पहली रगात में सजदा है तो फिर वो बुलंद आवाज़ से कहते थे भाई पहली रगात में सजदा है ये एक चलता था हमारे यहाँ मामला तो लतीफ़ा क्या हुआ कि एक दिन चचा के बराबर में कोई बंदा बहुत टाइट इफ्तारी करके आया उसने बहुत ज़बरदस्त इफ्तारी कर ली थी और इतफ़ाक़ से पहली सफ में चचा के बराबर में खड़ा हो गया और इतनी इफ्तारी उसने कर रखी थी हर थोड़ी देर में उसको डकार आया जाए हर थोड़ी देर में उसको डकार आया जाए डकार चली जाए तो चचा हमारे इरीटेड हो गए बहुत लेकिन कहें क्या अब वो डकार भी इस अंदाज से ले रहा कि नॉर्मल डकाल नहीं रहा हूप हूब करके किस तरीके से बहुत से लोग तो बड़े अजीब होते हैं इस तरीके से वो डकार ले रहा था तो हसब आदत एक मौका ऐसा आया कि सजदे का ऐलान करना था तो मैंने ऐलान किया भाई दूसरी रकात में सजदा है तो हमारे जो चचा थे उन्होंने उस ऐलान को रिपीट किया और उनके मुंह से रकात के बजाय डगार निकल गया दूसरी डकार में सजदा है और बहुत बुलंद आवाज़ से उन्होंने कहा और जिस बंदे को डका आ रही थी उसने हमारे चचा को खा जाने वाले नज़रों से देखा और एक माहौल बन गया बहुत कंट्रोल की नियत नहीं बांध रखी थी लेकिन बस हंसते हंसते पेट दुख गया थोड़ी देर बैठ गए सब लोग मेरे रुक जाओ अभी नियत मत बांधो बहुत हंसी आ रही है और एक यादगार लम्हा बन गया जहन के अंदर ये मेमोरी बैठ गई वो हज़ार आठ सौ लोग और वो बंदा वो शायद ज़िंदगी में कभी ऐसी इफ्तारी नहीं करेगा जैसी उसने इफ्तारी उस दिन की थी तो वैसे भी भाई कम खाना चाहिए रमज़ान कम खाने का है महीना इसमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए वरना वो ये हो जाएगा फिर अगर किसी और के साथ ये ये मामला हो गया चलिए बहरहाल उम्मीद करता हूँ लतीफ़ा आपको अच्छा लगा होगा मज़ा आया होगा अच्छा जी ये भाई सवाल पूछते हैं जिसने रोज़ा नहीं रखा क्या वो भी तरह भी पढ़े बहुत ही किस्म का सवाल है जिसने रोज़ा नहीं रखा तरावी वो भी पढ़े रोज़ा रखना ये अलग फ़र्ज है और तरावी का पढ़ना ये एक अलग अमल है जो सुन्नत है अगर किसी शख्स ने रोज़ा छोड़ दिया हालांकि बहुत गलत काम किया इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं बनता कि वो आदमी अपने रोज़े को बुनियाद बनाकर कर तरावी भी छोड़ दे कि मैंने रोज़ा तो रखा नहीं ला तरावी पढ़ के क्या करूँगा तरावी भी छोड़ दूँ नहीं तरावी पढ़नी चाहिए फिर भी पढ़नी चाहिए क्या पता अल्लाह ताला तरावी के पढ़ने की बरकत से इसको रोज़ा रखने की भी तौफीक दे दे लेकिन अगर एक अमल छोड़ दिया तो दूसरा भी छोड़े ये मुनासिब नहीं है ये तरीका ठीक नहीं है अच्छा जी हमारे यहाँ हाफिज साहब तकबीर तहरीमा कहते ही फ़ौर फातिया की तिलावत शुरू कर देते हैं सना पढ़ते हैं या नहीं इस बात का हमें इल्म नहीं लिहाजा अगर वो सना पढ़े बगैर तरावी पढ़ाते हैं तो क्या इस तरह तरावी पढ़ाना सही है और अगर नहीं पढ़ते हैं, तो क्या हम उनको टोक सकते हैं सना ये सुन्नत है नमाज के अंदर पढ़ना अगर कोई शख्स बग़ैर सना के किराज शुरू कर देता है और इसकी आदत बना लिए तो ये बहुत गलत आदत है लिहाजा ऐसे ही हाफिज़ साहब को तंबी की जाए उनको समझाया जाए किस बात की जल्दी कितना टाइम बचा लेंगे आप तीन चार सेकंड लगते हैं सना पढ़ने में अगर आपने दस सना भी बचा ली तो तीस चालीस सेकंड होते हैं कितना टाइम बच गया क्या कर लेंगे इसमें क्या उखाड़ लेंगे आप तरावी इतमान से पढ़ें तसल्ली से पढ़ें और उसके जितने भी खुशबूखू उसका ख्याल रखें सना वग़ैरह को इत्मीनान से पढ़ें तसल्ली से पढ़ें नहीं पढ़ते तो उनको समझाएं अच्छा अगर हाफिज़ साहब जल्दी किराज शुरू कर दें और हमने सना ना पढ़ी हो तो क्या हम सना पढ़ें यह खामोशी से नियत बांध के खड़े हो जाए ये बात याद रखिए कि अगर तरावी में थोड़ा सा जल्दी होती है देखा है हमने कि आम तौर से लोग इतमान से तरावी को नहीं पढ़ते इतमान इत्मीनान से पढ़ने वाले भी थोड़ी बहुत कुछ जल्दी करते ही हैं लिहाजा अगर कहीं हाफिज साहब ने फ़ौन खड़े होकर अल्ला के अल्लाह अकबर के नियत बांध ली और मखतदियों ने भी जल्दी से ला अकबर कह दिया इस सूरत के अंदर अगर हाफ़ि साहब ने तिलावत ना शुरू की हो तो मुख्तियों के हुक्म यह है कि वो सना पढ़नी शुरू कर दें लेकिन अगर हाफि साहब सना पढ़ कर जल्दी से तिलावत शुरू कर दें और मुख्तिय सना ना पढ़ सकें तो फिर सूरत के अंदर मुखदियों को चाहिए फिर खामोश हो जाए क्योंकि कुरान की तिलावत शुरू हो चुकी है अब सना ना पढ़े लेकिन हाफ़ि साहब को चाहिए कि इतना मौका ज़रूर दें कि पीछे वे इतमीन से सना पढ़ लें और पीछे वालों को भी चाहिए कि जैसी तकबीर तरीमों की नियत बंधे फिर ताखिर ना करें देर तक बैठे ना रहें फ़ौर खड़े होकर के जो है वो अल्लाह बल्कि के नमाज के अंदर शामिल हो जाए और सना पढ़ लें तरावी की नीयत करने का क्या तरीका है भाई तरावी की नीयत देखिए नीयत जो है ना वो दिल के इरादे का नाम है बस दिल में नीयत हो कि मैं बीस तरह तरावी सुन्नत पढ़ रहा हूँ बस हो गई तरावी की नीयत इसी बात को जबान से कह लें काफ़ी है जबान से न भी गए तो भी ठीक है बट तरावी की यही नीयत है बीस रकात तरावी की नियत करना एक साथ ज़रूरी है या हर दो रकात के बाद अलग अलग नियत करना चाहिए ये इतना लंबा मसला नहीं है शरीयत इतनी मुश्किल नहीं है ये सवाल वो लोग करते हैं जो बेचारे सादा हैं और सीधे सादे हैं और नए नए मसाइल रहे हैं देखिए अगर आप चाहें तो एक साथ भी नियत कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो हर दो रकात के बाद भी कह सकते हैं और आप चाहें तो ये ऑप्शन भी है कि आप जबान से नियत ही ना करें बस दिल में नियत कर लें कि अल्लाह बीस रगत सुन्नत तरावी पढ़ रहा हूँ बस एक बार ज़बान से कह लें तो भी ठीक है बगैर ज़बान से कहें दिल में ये इरादा कर लें तो भी ठीक है और बीस रगत पढ़ लें आपकी तरावी हो जाएगी अगर कोई शख्स अकेला तरावी पढ़ रहा हो तो कितनी आवाज़ में क़ुरान की तिलावत करे सबसे पहली बात तो ये अकेला तरावी क्यों पढ़ेगा क्या ज़रूरत है तरवी अकेले ना पढ़ें सबके साथ पढ़ें और अगर कोई शख्स किसी वजह से अकेले तरावी पढ़ता है कोई मामला आ गया कोई वजह आ गई पढ़ रहा है अकेले तरावी इस सूरत के अंदर ऊलवा ने फरमाया कि कम से कम इतनी आवाज़ से तिलावत करें कि खुद को उसको उसका पढ़ना सुनाई दे ऐसे ना करें कि दिल ही दिल के अंदर अल्फाज को चला रहा है ख्याल की कैसेट चल रही है और वो समझ रहा है मेरी तरावी हो रही है याद रखिएगा नमाज़ नहीं होगी इससे अल्फाज का ज़बान से अदा करना ज़रूरी है और इतनी आवाज़ से अदा करना ज़रूरी है कोई और सुने ना सुने मैं खुद सुन लूँ बाकी अगर कोई और ना हो और अकेला तरावी पढ़ रहा हो और थोड़ी बुलंद आवाज से पढ़ना चाहे तो बुलंद आवाज से भी पढ़ सकता है लेकिन बिला वजह अकेले तरावी पढ़ना ठीक नहीं है बाजमात पढ़े हमारे यहाँ एक मौलाना साहब ने यह मसला बताया है कि अगर कोई शख्स वितर तरावी से पहले पढ़ना चाहे तो ये भी ठीक है लेकिन हमने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा नमाज के बाद पहले तरावी पढ़ी जाती है फिर वितर पढ़ जाते हैं क्या ये मौलाना ठीक कह रहे हैं सबसे पहले एक गुजारिश आपसे और फिर आपके हवाले से वो एक गुज़ारिश मेरी उन मौलाना साहब से आपसे ये गुजारिश है कि दीन को मुकम्मल सीखें और ये बात याद रखें कि शरीयत ने बाकायदा ये सहूलत दी है कि अगर लोग इस बात पर इतफ़ाक़ कर लें कि भाई नमाज के बाद पहले विदरोगे बात और फिर तरावी पढ़ेंगे तो ये शक्ल भी इख्तियार की जा सकती है ये आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ वरना पब्लिक ने मैं, मैं, मैं ये मसला ना बताता ये मसला है और कर सकते हैं लोगों को इख्तियार है कि वितर पहले पढ़ना चाहें तो वितर पहले पढ़ सकते हैं तरावी बाद में कर लें और लोगों को ये इख्तियार है कि वो तरावी पहले पढ़ना चाहें तो तरावी पहले कर लें और वितर बाद में कर लें यह गुज़ारिश तो मेरी आपसे हुई अब एक गुजारिश मेरी उन मौलाना साहब से बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं हालांकि हो सकता है वो इल्म में मुझसे बड़े हो मुझे कहते हुए शर्म सी आ रही है लेकिन एक नुक्ते की तरफ़ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ ये कि बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो जायज़ हैं लेकिन अवाम उन बातों को हज़म नहीं कर सकती लोगों के सामने वो मसाइल नहीं रखने चाहिए ऐसी बहुत सारे मसाइल हैं अब मैं मिसालें देनी शुरू करूंगा तो वो मसाइल और अभी मैं खुद मना कर रहा हूँ कि लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए और फिर मैं आवाम के सामने उन मिसालों की उन मसाइल की मिसालें दूँ यह मुनासिब नहीं है मैं सिर्फ़ एक अदीस की तरफ़ तवज् तो दिलाता हूँ कि नबी करीम सलील आसलम ने फरमाया था मैं आयशा से आयशा ये जो नए लोग मुसलमान हुए हैं ना नौमस मुझे इनके बारे में खौफे कर कहीं ईमान से फिर न जाए वरना ये जो बैतुल्ला है मैं इसकी शक्ल ख़त्म कर देता इसको ज़मीन से मिला देता और इसका जो दरवाज़ा है वो नीचे ले आता दोबारा इसकी तमीर करता और इसके दो दरवाजे रखता एक अंदर जाने के लिए और एक बाहर आने के लिए लेकिन जो लोग नए नए इस्लाम में दाखिल हुए हैं मुझे उनके बारे में ख्वाफ़ है कि मेरे इस अमल से ये लोग कहीं दीन से फिर न जाएँ इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ता छोड़ देता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सही काम को भी नहीं किया और आज तक बैतुल्ला उसी शक्ल में है आज तक वही की ही दरवाज़ा है ऊपर की तरफ है वही तामीर है चौदह सौ साल पुरानी लोगों के खदशे की वजह से ये मसला भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं उठाया हालांकि मसला सही था लिहाजा ऐसे मसाइल जो आम लोग नहीं सुनते उनके सामने इस तरीके के मसाइल रखना लोगों को आमतौर से ये बातें हजम नहीं होती और एक फितना खड़ा हो जाता है जैसे हलीम और दलीम पता है ना बहुत सारे लोगों ने दलीम दलीम कहना शुरू कर दिया लिखना शुरू कर दिया बस छेड़ दिया किसी ने चल पड़े जिधर एक आदमी चलेगा उधर ही सब चल पड़े और मुझसे भी बहुत कहते हैं कि लोग दलीम दलीम अब मैं उनको समझाता हूँ भाई लफ्ज़ एक ही है अलग अलग ज़बानों में उनका मफहम और माना अलग अलग होता है लेकिन कुछ लोग समझ जाते हैं कुछ लोग नहीं समझते अब वो ऐसी पीपड़ी बजाई है किसी ने तीन चार साल पहले आज से वो आज तक गलत फहमी चल रही है और अभी नस्लों में जाएगा ये मैसेज तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता लोगों का उनको लोगों के सामने बयान नहीं करना चाहिए अब एक मसला बता देता हूँ मैं मिसालें बहुत सारी दे सकता हूँ लेकिन एक बता देता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद की नमाज़ पढ़ाते थे ईद के बाद पहले दुआ होती थी फिर खुतबा होता था कहीं भी सुन्नत से ये साबित नहीं है कि ईद के बाद पहले खुतबा हुआ फिर दुआ होती हो लेकिन आज क्या होता है आज क्या होता है आज यही होता है कि पहले नमाज के बाद खुतबा होता है उसके बाद दुआ होती है आज अगर हम इस चीज़ को लोगों के सामने शुरू कर दें हालांकि साबित भी यही है कोई जुटला नहीं सकता लेकिन अवाम्लनाज के सामने अगर हम ये शुरू कर दें तो फिर आवाम कहेगी ये क्या नई चीज़ है हालांकि ये नई चीज़ नहीं है सुन्नत से साबित ही यही है लेकिन आवाम के अंदर रिवाज इस चीज़ का पड़ा हुआ है और लोग फितने में मुलविस ना हो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर अमल करना चाहिए और अगर चाहे मसला सही भी हो तो लोगों के सामने नहीं बयान करना चाहिए अल अलवा कल अनम इस तरीके की मिसालें हैं अब मैं अल अलवा कल अनाम का तर्जुमा मैं नहीं करूँगा हाँ बहुत सारे लोग बुरा मान जाएंगे वरना अच्छा जी आगे का मसला देखते हैं जो शख्स मस्जिद के अंदर ईशा की फ़र्द नमाज होने के बाद आए और तरावी हो रही हो तो क्या वो शख्स अपने जैसे दूसरे लोगों के साथ मिलकर बाज़मात ईशा की नमाज़ पढ़ ले, फिर तरावी में शरीक हो या इन्फ़रादी ईशा की नमाज पढ़ के तरावी में शरीक हो बाज़मात तरावी बाज़मात ईशा की नमाज़ ना करे जमात हो चुकी है वहाँ ये काम ना करें वरना यह आदत बन जाएगी फिर अगर दो चार लोग इस तरीके के हों जो बाद में आए थे नमाज़ हो चुकी थी उन्होंने कहा चलो हमें नमाज़ तो पढ़नी है ना बाजमत कर लें फिर ये शक्ल बंदी चली जाएगी और जमात की अहमियत ख़त्म हो जाएगी और इन तीन चार लोगों को देखकर कुछ और लोग भी बिगड़ सकते हैं और ये तीन चार से तीस चालीस भी बन सकते हैं बढ़ते बढ़ते हालात बिगड़ते चले जाते हैं लोग जो है ना इस पर क्या बोलते हैं गुंजाइश वाले मसाल पर ज़रा ज़्यादा अमल करते हैं कि गुंजाइश निकल गई गुंजाइश निकल गई और यहाँ तो गुंजाइश है भी नहीं लिहाजा नमाज़ पढ़ें तो फिर अलग से पढ़ें तरावी में अगर किसी की रकतें छूट जाएँ तो किस तरह और कब पढ़नी चाहिए तरावी में अगर किसी की कुछ रकतें छूट जाएँ शायद ये मसला मैंने पहले बताया भी था अगर तरावी में किसी की कुछ रकतें छूट जाएँ तो उसके लिए मसला ये है कि पहले वो बाजामात वितर पढ़ लें देखिए सबसे पहले तो ये याद रखें तरावी के अंदर किसी की कुछ रकातें छूट गई मान लीजिए एक शख्स मस्जिद के अंदर आया तरावी हो चुकी थी हो, हो रही थी चल रही थी ईशा की नमाज़ हो चुकी थी अब ये बंदा ईशा की नमाज़ पढ़ के तरावी में शरीक हुआ मान लीजिए मिसाल के तौर पर इसकी आठ या दस रकातें निकल चुकी थी जब यह तराजी में शरीक हुआ तो ग्यारहवीं रकात चल रही थी इसने दस रक़ातें इमाम साहब के साथ पढ़ ली तो अब इसके लिए सबसे पहली शक्ल तो ये बनती है वो ना फरमाया कि वो जो हर चार रकात के बाद तरवीह में बैठते हैं ना कुद्दूस ये दुआ पढ़ते हैं इसको ये चाहिए कि अपनी छोटी हुई रकतें इस तरवीह में पढ़ने की कोशिश करें लोग आराम से बैठे हुए ये आराम से ना बैठे ये इसमें पूरी करने की कोशिश करें क्योंकि तरवीह में कहीं कहीं थोड़ा गैप ज़्यादा होता है दो रकातें पढ़ सकता है आदमी और अगर इतना गैप ना हो तरीवी हमें उनको पूरा ना कर सकता और गैप छोटा होता हो तो इस सूरत के अंदर उलमा ने फरमाया फिर इसके लिए एक शक्ल ये है कि ये चाहे तो वितर से पहले भी अपनी नमाजें पूरी कर सकता है और बाद में वितर अकेला पढ़ दे और ज़्यादा बेहतर शक्ल ये है कि ये वितर बात पढ़े और वितर के बाद अपनी जो छोटी हुई रकातें हैं तरावी की फिर वितर के बाद पूरा करें ये सबसे बेहतर शक्ल है तरावी की रकातें गिनना कैसा है मना किया है ओलमा ने तरावी की रकातें नहीं गिननी चाहिए वो एक हिसाब लगाने वाली बात एक अलग है वो जो हाफि साहब हिसाब लगाते हैं कि फ़ला जगह रुको कर लिया अब वहाँ से शुरू होगा अब यहाँ से ये वाली रकात हो गई अब यहाँ से ये वाली रकात शुरू होगी वो उनका हिसाब किताब लगाना अलग है आम लोग तरावी की रकातें ना गिने ये एक तरीके से सुस्ती और काहली की अलात है हाँ बस इस नीत से गिनना चाहें कि भाई बाद में अगर इख्ताफ हो गया तो कम से कम याद दिला देंगे ये एक अलग सी बात है लेकिन इसलिए गिनना है जल्दी जल्दी ख़त्म हो कितना टाइम लगेगा घड़ी देखते रहे बार बार और रकाते गिनते रहे ये काहली और सुस्ती है इससे बचने की ज़रूरत है एक शख्स ईशा की नमाज पढ़ा रहे थे कि उनसे ऐसी गलती हो गई जिससे ईशा की नमाज़ नहीं हुई बाद में उन्होंने तरावी की भी कुछ रकातें पढ़ा दी उसके बाद याद आया कि ईशा में नमाज पढ़ाते हुए गलती हो गई थी और उन्होंने ईशा की नमाज लौटा ली तो अब तरावी का क्या हुक्म है जो रकाते पढ़ ली वो सही हो गई उसके आगे बढ़े ये तरावी की नमाज़ भी लौटाए सही कॉल के मुताबिका ने फरमाया कि अगर कोई शख्स इशा की नमाज़ पढ़ा रहा है और उससे कोई गलती हो गई नमाज नहीं हुई और उस गलती की तरफ़ ध्यान नहीं गया और तरावी शुरू कर दी और तरावी की कुछ रकातें पढ़ने के बाद ख्याल आया कि अरे इशा की नमाज़ में तो वो गलती हुई थी नमाज तो हुई नहीं और उसने ऐलान करके लोगों को बताया भाई नमाज़ नहीं हुई नमाज़ लौटानी पड़ेगी और मान लीजिए अठारह रकतें हो गई थी सोलह या अठारह रकातें तरावी की भी हो गई थी अब ये इशा की नमाज के साथ साथ तरावी की जितनी रकातें होती हैं उनको भी लुटाएँ इसलिए कि तरावी का खासा यही है कि ईशा की नमाज के बाद ही ये पढ़ी जाती है लिहाजा ये जो नमाज ये जो तरावी पढ़ी गई है ईशा की नमाज़ से पहले पढ़ी गई है और फिर पहले पढ़ने की सूरत में ये तरावी है ही नहीं ये नफिल है लिहाजा अब इनको ये चाहिए कि जितनी रकातें तरावी की इशा की नमाज गलत होने की वजह से पढ़ी थी बाद में इशा की नमाज़ पहले लुटाएं उस नमाज़ को ठीक करें उसके बाद फिर वो सारी तरावी की रकातें भी लौटाएं इसलिए बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है इमामाद इतना आसान काम नहीं है जितना लोग समझते हैं और जितना लोग के किराम को आई माई के को कहते हैं अच्छा जी हमारे यहाँ एक हाफिज साहब हैं वो कभी कभी ये गलती करते हैं कि दो रकात के बाद अत्यात में बैठने के बजाय डायरेक्ट तीसरी में खड़े हो जाते हैं उसके बाद फिर वो चार रकातें पूरी करके सजद सहू करके सलाम फेरते हैं तो क्या ये चारों रकातें सही हो जाती हैं इसमें कंडीशन है ये बात याद रखें कि अगर कोई हाफिज साहब चार रकतें पढ़ा रहे हैं लेकिन वो अतियात में बैठ जाते हैं और फिर तीसरी में खड़ी होते हैं तो ये चार रकाते तरावी हो जाएंगी शुमार हो जाएंगी अगर अगरचे दो दो करके पढ़नी चाहिए लेकिन चार करके भी पढ़ी तो भी तरावी हो जाएगी लेकिन अगर कोई हाफिज़ साहब दो रकात की नीयत बांध के खड़े हुए थे और दो रकातों के बाद ग़लती से अतियात में बैठने के बजाय तीसरी में खड़ी हो गए और उन्होंने ये सोचा कि लाओ चार रकात पूरी कर लूँ और सजद सहू करके उन्होंने सलाम फेर दिया इस सूरत के अंदर ने फरमाया कि दो रकातें तरावी होंगी और दो रकातें जो हैं वो नफिल में शुमार होंगी उसमें जो कुरान पढ़ा जाएगा उसको काउंट ना किया जाए बल्कि अब जब दोबारा पढ़ें तो ये जो दो रकाते सजदा सऊ करके मिलाइए इनको नफिल शुमार करें इनको तरावी की रकातें शुमार ना करें और इसमें जो कुरान पढ़ा गया उसको भी शुमार ना करें बाज इलाकों में शबीने का रिवाज है शबीना क्या होता है शबीना जो है ना ये एक दिन में एक ही रात में कुरान मजीद को ख़त्म किया जाता है उसको शबीना कहते हैं शब शब से निकला ही है शबीना एक रात में मुकम्मल कुरान पढ़ना अच्छा यही बात सवाल करते हैं नीज यह भी बताएं कि शबीना करना जायज़ है या ना जाइज़ है शबीना करने की एक शक्ल है जो जायज़ है और एक शक्ल है जो नाजायज है शबीना करने की जो जायज शक्ल है वो वह कि भाई अगर आप एक ही रात में पूरा कुरान तरावी में पढ़ना चाह रहे हैं अल्लाह उनको हिम्मत दे करते हैं ऐसा तो इस सूरत के अंदर उनको ये चाहिए कि अल्फाज कुरान की जो अदायगी है अल्फाज हैं उसको प्रॉपर सही तरीके से उसके मखरज के साथ उसूल के साथ जाबते के साथ अदा करें तब शबीना सुनाने की इजाज़त है और अगर धड़ाधड़ पढ़ते चले जा रहे हैं उनको बस सिर्फ एक दिए हुए टाइम के अंदर कुरान मुकम्मल करना है उनको कोई परवाह नहीं कि अल्फ़ाज कैसे अदा हो रहा है फिर अल्लाह के वास्ते अल्लाह के वास्ते कुरान का मजाक ना बनाए मेरे अल्फाज पर गौर कीजिए अल्लाह के वास्ते कुरान का मजाक ना बनाए इस चीज़ से अपने आप को रोकें यह शबीना नहीं है तो बहुत अजीब सी चीज़ है क्या फरमाते हैं क्राम इस मसले के बारे में कि जब तरावी मुकम्मल हो जाती है तो हाफ़िज़ों को फूलों के हार और कंठे वग़ैरह पहनाए जाते हैं इस चीज़ से उनका इकराम किया जाता है क्या ये सही है हाँ हमने भी कई जगह देखा कि जब हाफिज़ साहब कुरानी मजिद सुनाकर फ़ारिग होते हैं तो कुछ उनके चाहने वाले या उनके रिश्तेदार या मुख्तिक उनके गले में फूलों का हार डालते हैं और ये उनका एहतराम करने का एक तरीक़ा होता है बाज़ी इलाकों में ही चलता है लेकिन सही बात यह है कि इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है क्यों क्योंकि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रिवाज बन जाती हैं और दो तीन हाफिज़ साहब को पर्सनली तौर पर मैं जानता भी हूँ कि उनको जब कंठा नहीं डाला गया फूलों का हार नहीं डाला गया तो वो नाराज़ हो गए बुरा मान गए क्या मैं इस लाइक भी नहीं समझा किसी ने ये जहनीत क्यों बनी ये जहनीत इसीलिए बनी क्योंकि हमने इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता रसम बना दिया और ये चीज़ें रिवाज पकड़ दें लिहाजा ये चीज़ें रिवाज ना पकड़ें और लोग इन चीज़ों को ज़रूरी ना समझें इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इन चीज़ों को पहली फुर्सत में छोड़ दें ताकि लोग इस किस्म की चीज़ों में मुलविस ना हो फिजूल खर्ची क्या फ़ायदा इससे अब सौ दो सौ बास तो फूलों का हार लेकर के आते हैं बास नोटों का हार लेकर के आते हैं नुमाइश है सिर्फ नुमाइश इससे बचने की ज़रूरत है ये फूलों के हार ये नोटों के हार फिज तो क्या शादी का जो दूल्हा होता है ना उसको भी नहीं पहनाना चाहिए नोटों के हार हम दुल्ह को पहना देते हैं वो ताज़िया लग रहा होता है ताज़िया वो जो रावजिश है ना निकालते ताज़िया वो लग रहा होता है लगता ही नहीं दूल्हा बैठा लगता ताज़िया रख दिया किसी ने इससे बचने की जरूरत है फिजूल खर्ची भी है और रस्मों रिवाज को हवा देना भी दोनों चीजें हैं दोनों खराबियां है इसके अंदर अच्छा जी कुरान के खत्म वाले दिन मिठाई यह शेरनी तकसीम करना कैसा है बाज़ लोग तो हाफिज़ों को कई कई दिनों तक तो परेशान करते रहते हैं कि हाफिज़ साहब हमारी शेरनी कहाँ है हाँ भाई हमें भी पर्सनली तौर पर इसका बड़ा ये चीज़ें बड़ी फेस करनी पड़ती हैं हमारा ख़त्म कहाँ है यूँ हीता है हमारा ख़त्म कहाँ है हमारी मिठाई का है हमारी शीरनी का है शेरनी के मतलब ये बात याद रखें अगर कोई अपने तौर से वैसे ही बांट दे तो एक अलग सी बात है लेकिन ये चीज़ भी वही जैसे कि फूलों का हार वाला मसला ये चीज़ भी अब ज़रूरी बनती जा रही है बल्कि बाज़ मालदारों ने तो एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया शुरू क्या कर दिया एक ट्रेंड सेट कर दिया बाज जो है थोड़े से अल्लाह ताला ने दे रखा है वो तौलिए बांट रहे हैं बाज जो है वो वाटर कूलर बांट रहे हैं थोड़ी सी कुछ यूनिक आइटम बांट रहे हैं थोड़ा सा उनका नाम हो जाएगा वह वो तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बांटते हैं लाओ वहीं तरह भी पढ़ो ये एक तरीके से अट्रैक्शन देते हैं कि हमारे यहाँ आकर के तरह भी पढ़ो और भीड़ लगा के लोगों के अंदर नुमाइश करते हैं कि देखो हमारे यहाँ इतनी भीड़ है तो जिस तरीके से ये चीज़ें रस्म बनती जा रही हैं और रिवाज पकड़ दी जा रही हैं बेहतर ये कि शीरनी का चक्कर भी ख़त्म कर, कर दिया जाए ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि हो सकता है आज मेरी ये बात अजीब लगे लोगों को लेकिन आने वाले चंद सालों में आप लोग जब मेरी ये बात सुनेंगे तो आप कहेंगे वाकई सही कहता था वाकई ये चीज़ें अब इतनी ख़राब और बेकार होती बाज़ लोगों को तो हमने ये देखा मिठाई मिल जाती है डब्बा मिल जाता है और जेब में डाल के फिर दोबारा कहते हैं हमारे हमें हमें तो मिली नहीं ये बिल्कुल ऐसे ही जो वो निका के मौके पर वो जो थैली तकसीम की जाती है उसमें लोग देखें किस तरीके से झपट्टा मारते हैं अल्लाह हिफाजत फरमाए बड़ा अजीब सा लगता है कौम का ये मंज़र हालांकि उस मौके पर छुहारे उछालना सुनना थे मुट्ठी भर के छुआारे लो और उछाल दो जिसके पास चले जाए जिसकी गोद में गिर जाए जिसके हाथ में मिल जाए बस ये लेकिन हमने क्या करा उसके अंदर भी चीज़ें अपनी तरफ से ऐड कर दी छुहारों के साथ साथ दूसरा ड्राई फ्रूट्स डाल दिए टॉफ़ियाँ डाल दी चॉकलेट्स डाल दी उनकी पैकिंग करनी शुरू कर दी थैली वग़ैरह में और बाद तो उसमें बर्तन भी होते और फिर वो जिस तरीके से वो कार्टून चलते हैं और बच्चे उस पर एक दूसरे पर गिरते हैं और लोगों की चोट भी लगती है बच्चे आदमी भी बच्चे बन जाते हैं अल्लाह हिफाजत फरमाए इससे बचने की ज़रूरत है अगर ये चीज़ें रिवाज पकड़ती जा रही हैं तो इनसे बचें इनको ख़त्म करें आखिरी दिन तरावी में अलिफ ला मीम से मुफ्लिहून तक पढ़ा जाता है ये पढ़ना कैसा है ये पढ़ना अच्छा है ये पढ़ा जाता है बल्कि अलाम ने तो यहाँ तक फरमाया कि जो आखिरी रकात होती ना, आखरी आखरी रकात है ना आखिरी दिन आखिरी रकतें उन्नीस और बीस उन्नीसवीं रकात में खलाजुबी रबन्नास की सूरत पढ़ी जाए और बीसवीं रकात में अलीफिलाीम से रह गए वह उलए गबल मफली ऊन तक पढ़ा जाए ये मुस्तहब है बल्कि शायद मसनून है मुझे गलती लग रही है मैं बोल गया कि मुस्तहब लिखा था किताब में या मसनून लिखा था बहरहाल लेकिन ये अच्छा और अमल पसंदीदा है लिहाजा ये करना चाहिए और फाज कलम इसका ख़्याल रखा करें और ये कोई अलग से कोई नई चीज़ नहीं है क्योंकि साल में एक ही मरतबा लोग देखते हैं इसलिए लोगों को ये थोड़ी सी यूनिक चीज़ लगती है ठीक है अल्लाह पाक जो कहा गया सुना गया है मैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए तरावी के जो मसाइल थे तकरीबन सारे हो चुके हैं पूरे अगर किसी के रह गए तो मैं माजरतर चाहता हूँ अब इंशाअल्लाह शाला इफ्तारी कुरान मजीद और जिक्र, और जिक्र और अस्कार के मतलब नशिस्तें होनी बाकी हैं अल्लाह पाक उनके ऊपर खैर आफ़त के साथ पढ़ने पढ़ाने की तोफ़ी कदा फ़रमाएं असल व बरकातहू